19th ऑफ मई 1983 को डियाना डाउन्स नाम की एक औरत अपनी कार को हाईवे पर रोकती है और ट्रंक से एक बंदूक निकालती है और उस कार में बैठे अपने तीनों बच्चों को गोली मार देती है और इसके बाद वो खुद को भी गोली मार देती है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज श्रेयांश सोनिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू केस एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ लेडी हु शॉट हर 3 चिल्ड्रन इन अ कार फॉर सच अ थिंग यू कांट इवन इमेजिन। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट टू द टुडेज केस विच इज रिवॉल्विंग अराउंड एलिजाबेथ डियान डाउन्स। डियाना का जन्म 1955 में फीनिक्स एरिजोना में हुआ था। वो एक डेनिश और अमेरिकन फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके पिता का नाम वीजली लिंडन फ्रेडिक्सन था और उसकी मां का नाम विलाडेन फ्रेडिक्सन। उसके माता पिता की शादी 11th ऑफ अप्रैल 1954 को हुई थी एंड ए ईयर लेटर दे हैड डियान। शी ग्रू अप इन अ स्ट्रिक्ट फैमिली, लाइक उसके माता और पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के थे और उसकी टीनेज में वो उसे मेकअप और फैशनेबल क्लोथ्स नहीं पहनने देते थे। इन हर टीनेज शी हेटेड हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें बोलती थी सबको एंड स्पेशली शी हेटेड हर फादर। वो ऐसा बोलती थी कि उसका पिता का जो नेचर है वो काफी डोमिनेटिंग है उस पे और उसकी माँ पे। और एक इंटरव्यू में तो शी इवन अक्यूज हर फादर फॉर सेक्सुअल असॉल्ट। सो लाइक यू कैन थिंक हाउ मच शी हेटेड देम। बट आफ्टर दैट हर मदर एंड फादर डिनाइड इट ऑल। उन्होंने मना कर दिया था कि ये सारे अक्यूजेशन है जो झूठे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ। और जब वो 14 साल की हो गई थी तो उसने अपनी हाई स्कूलिंग पूरी कर ली थी मून वैली हाई स्कूल से, जो कि फीनिक्स एरिजोना में ही है। और आफ्टर दिस वो बहुत ही रेबेलियस होने लगी थी अपने पेरेंट्स को लेके। वो उनकी बातें नहीं मानती थी और हर चीज में उन्हें रेजिस्ट करती थी। उसका बिहेवियर एक टिपिकल अमेरिकन टीन जैसा हो गया था। शी डिडंट केयर व्हाट हर पेरेंट्स वाज सेइंग टू हर। एंड इन दिस पीरियड वो स्टीव डाउन से मिली एंड दे इमिडिएटली गॉट इन ए रिलेशनशिप एंड स्टार्ट डेटिंग। और जब उसके पेरेंट्स को पता चला इस बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, तो बीइंग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स उन्होंने उसे रोका, उन्होंने उसे मना किया इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन एज आई टोल्ड वो उनकी बात नहीं मानती थी तो उसने वो रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। दे वर इन अ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आफ्टर देयर हाई स्कूलिंग उन्हें एक कॉलेज चूज करना था दोनों को। तो जो स्टीव डाउन्स था वो तो चला गया था अपनी मरीन और नेवी की ट्रेनिंग के लिए और जो डियान थी उसने एनरोल किया था पैसिफिक कोस्ट बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज के लिए जो कि ऑरेंज कैलिफोर्निया में थी। दे गॉट सेपरेटेड। जो डियान थी वो ऑरेंज कैलिफोर्निया में थी अपनी कॉलेज में और जो स्टीव था वो मरीन ट्रेनिंग में था। डियान एक बाइबल कॉलेज में गई थी लेकिन कॉलेज से उसे एक साल बाद निकाल दिया गया था उसके प्रॉमिस्क्यूअस बिहेवियर की वजह से। और कॉलेज से निकाल के उसे वापस फीनिक्स एरिजोना भेज दिया गया था उसके पेरेंट्स के घर। तो जब वो अपने पेरेंट्स के पास वापस पहुंची उसके पेरेंट्स में और उसके बीच में बहुत सारी लड़ाइयां और झगड़े होने लग गए थे। तो इसी वजह से उसकी जो हेट थी उसके पेरेंट्स के लिए वो और बढ़ने लगी थी। लेकिन आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर सम टाइम जो था उसकी मरीन ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और वो वापस कुछ टाइम के लिए एरिजोना में आया था। जब डियान और स्टीव फिर से मिले तो दे गॉट इन ए रिलेशनशिप अगेन। वो फिर से डेट करने लग गए थे एक दूसरे को और उस रिलेशनशिप में आने के कुछ समय बाद ही दीज गाइज मेड अ प्लान कि वो भाग जाएंगे और भाग के शादी कर लेंगे। और यस, उन्होंने वही किया। वो 13th नवंबर ऑफ 1973 को भाग गए और उन दोनों ने शादी कर ली। और डियान ने अपने एक ट्रायल में ऐसा भी बोला था कि दैट शी डिडंट मैरी स्टीव फॉर लव, शी मैरिड हिम बिकॉज उसको अपनी फैमिली से दूर जाना था, शी हेटेड देम। इस वक्त तक स्टीव को यूएस नेवी में जॉब मिल गई थी और जहां उसकी पोस्टिंग होती थी डियान भी उसी के साथ जाके रहती थी। तो उनकी शादी के एक साल बाद यानी कि 1974 में उनकी पहली बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने क्रिस्टी एम रखा। और उसी के एक साल बाद 1976 में उसकी दूसरी बेटी हुई जिनका नाम उन्होंने चेरिल रखा। और जब डियान थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो शी अबॉर्टेड, उसने अबॉर्शन करा लिया था। और अबॉर्शन कराने के कुछ टाइम बाद ही डियान को रिग्रेट होने लगा एंड शी वॉज फीलिंग कि उसने एक लाइफ ले ली है। तो आफ्टर दिस शी वॉन्टेड अनदर चाइल्ड टू रेक्टिफाई वॉट शी हैज डन। उसने एक बच्चे को अबॉर्ट कर दिया था तो इसलिए वो एक दूसरा बच्चा चाहती थी टू रेक्टिफाई हर मिस्टेक। लेकिन इस टाइम तक डियान को पता चला कि स्टीव हैड हैड वैसेक्टॉमी। एंड इफ यू डोंट नो वॉट इज वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी इज ए सर्जरी और इस सर्जरी के बाद यू कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो उस वक्त डियान का एक मेल फ्रेंड था जिसका नाम था मार्क सेगर। तो एक बच्चा करने की चाह
जहां में डीएन गॉट इन एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर विथ मार्क एंड सीड्यूस्ड हिम एंड गॉट हर थर्ड चाइल्ड जिसका नाम था स्टीफन डैनियल और उसका जन्म 1979 में हुआ था। तो इस पीरियड में डीएन के प्रेग्नेंट होने से डैनियल के जन्म तक जो स्टीव था वो अपने एक नेवी टूर पे गया हुआ था और जब उसे पता चला स्टीफन डीएन के एक एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर का नतीजा है तो ही वॉन्टेड ए डाइवोर्स एंड यस उसने डीएन को डाइवोर्स दे भी दिया। और अपने डाइवोर्स के बाद डीएन खुद को और ज्यादा फ्री समझने लगी और वो और ज्यादा रिलेशनशिप्स में आने लगी और पैसे ना होने के कारण शी इवन गेव बर्थ टू अ गर्ल नेम जेनिफर बट एज ए सरोगेट मदर। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज सरोगेट मदर, सरोगेट मदर एक ऐसी माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है लेकिन कोई और पेरेंट्स के लिए, और आफ्टर डिलीवरी वो बच्चा वो पेरेंट्स ले जाते हैं और उस मदर को पे कर देते हैं। और इसके बाद उसने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई करा और उसे US पोस्टल सर्विस में एक जॉब मिल भी गई थी। और इसी टाइम डीएन को अपने पोस्ट ऑफिस में एक इंसान मिला जिसका नाम था रॉबर्ट निकरबॉकर। एंड इवन आफ्टर बीइंग ए मैरिड गाय, रॉबर्ट और डीएन एक इंटीमेट रिलेशनशिप में आ गए। और जो रॉबर्ट था इसने डीएन को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देगा और डीएन से शादी कर लेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम क्या थी ये मैं तुम्हें थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो इस टाइम तक डीएन अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं कर रही थी और वो उन्हें ना टाइम दे रही थी ना वो उनकी रेस्पेक्ट करती थी। एक बार जब स्टीव अपने बच्चों से मिलने गया था तो जो सबसे छोटा बेटा था डैनियल उसने स्टीव से एक गन मांगी और जब स्टीव ने पूछा कि वो एक गन का क्या करेगा तो डैनियल ने रिप्लाई करा दैट मॉम हेट मी आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। तुम सोच सकते हो कि उसके बच्चों पर क्या बीत रही थी उस टाइम। और इसके बाद डीएन स्प्रिंगफील्ड ओरेगन के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और जो उसका नया बॉयफ्रेंड था रॉबर्ट वो भी स्प्रिंगफील्ड में ही रहता था। तो वो अपने बॉयफ्रेंड से इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी, वो इतना प्यार करने लगी थी रॉबर्ट से कि वो रोज उसे एक लेटर भेजती थी और वो लेटर हमेशा ही अनओपन्ड रिटर्न हो जाता था। रॉबर्ट उसका लेटर खोलता भी नहीं था, उसे देखता भी नहीं था और वो लेटर वापस डीएन के पास आ जाता था। तो इन्हीं सब के बीच में डीएन बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी, बहुत ज्यादा ही सैड और गुस्से में रहने लगी और इसी सभी के बीच डीएन ने कुछ ऐसा करा जिसने उसकी लाइफ पलट दी। नाउ लेट्स गेट टू द डे ऑफ मर्डर। 19th of May 1983 रात के करीब 10:45 बज रहे थे। डीएन अपनी कार में अपने तीनों बच्चों के साथ एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा रही थी। उसने उस सुनसान रास्ते पे अपनी कार रोकी, वो ट्रंक के पास गई और उसने अपनी .22 कैलिबर की गन निकाली और अपने तीनों बच्चों को गोली मार दी। और अपने तीनों बच्चों को गोली मारने के बाद उसने अपने एक हाथ पे गोली मारी और वो कार में बैठी और उस कार को एक हॉस्पिटल लेके गई। और जब वो हॉस्पिटल पहुंची, जब तक 3 साल का डैनी पैरालाइज हो चुका था, 9 साल की क्रिस्टी को स्ट्रोक आ गया था और जो 7 साल की चेरल थी वो मर चुकी थी। और डीएन का जो बिहेवियर था हॉस्पिटल में वो बहुत ही काम था और वो देख के बहुत लोगों को वो स्ट्रेंज लगा और उसने पुलिस वालों को बोला कि ए बुशी हेड स्ट्रेंजर केम एंड शॉट माय चिल्ड्रन एंड मी और समहाउ वो वहाँ से भाग गई। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई तो डीएन की स्टोरी से वो रिपोर्ट्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। और इसके बाद जो क्रिस्टी थी जिसे स्ट्रोक आया था, जब वो थोड़ी बेटर हुई, उसकी हेल्थ थोड़ी सही हुई, तो क्रिस्टी ने पुलिस को बताया कि हाँ उसकी माँ ने ही हम तीनों को गोली मारी है और उसके बाद अपने हाथ पे गोली मारी। तो इस पूरे इंसिडेंट के 9 महीने बाद 29th of February 1984 को डीएन को अरेस्ट किया गया। एंड गेस व्हाट, वो इस टाइम भी प्रेग्नेंट थी। तो जब डीएन को इंटेरोगेट करा गया, जब उसे पूछताछ की गई और उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, उसने अपने बच्चों को गोली क्यों मारी, रिमेम्बर रॉबर्ट ने डीएन को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देगा और डीएन से शादी कर लेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये थी कि रॉबर्ट के ना ही बच्चे थे और ना उसे बच्चे चाहिए थे। और जब रॉबर्ट डीएन के लेटर्स का रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो डीएन को इग्नोर कर रहा था, तो डीएन कनेक्टेड ऑल दिस विद दैट प्रॉब्लम। डीएन को लगने लगा इन बच्चों की वजह से रॉबर्ट मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, दैट्स व्हाई शी डिड इट। उसने ये सब रॉबर्ट को पाने के लिए किया। और इसके बाद डीएन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और उसके तीनों बच्चों को कुछ अच्छी फैमिलीज के द्वारा अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन ऑन 11th ऑफ जुलाई 1987 को डीएन जेल से भाग गई थी।
शी एस्केप्ड फ्रॉम अ जेल और उसी के 10 दिन बाद 21st ऑफ जुलाई को वो मिल भी गई थी। शी वॉज विथ वन ऑफ हर बॉयफ्रेंड्स और इसके बाद पुलिस ने डियान को और हाई सिक्योरिटी वाली जेल में डाल दिया। तो यस, दैट वॉज इट फॉर टूडेज केस। और मेरे जो व्यूज है वो इस केस पे कुछ ऐसे हैं। आई थिंक कि एक इंसान के बचपन का उसकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जब वो टीनेज पे थी, जब वो छोटी थी, तो उसके पेरेंट्स हमेशा ही उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहे थे, उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे वो लोग। तो शी नेवर फेल्ट दैट लव फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो जब उसके खुद के बच्चे हुए तो वो कैसे उनको प्यार दिखा सकती है। और अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ वो एक सिंगल मदर ही रही थी, तो वो अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। और ये रॉबर्ट के आने के बाद तो वो एक चेरी ऑन द केक हो गया। तो आई एम नॉट टेलिंग कि शी वॉज राइट और वो एक अच्छी इंसान थी। शी वॉज ऑब्वियसली बैड, बट आई थिंक सम वेयर हर पेरेंट्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक सच कॉन्टेंट। लाइक मोस्ट ऑफ द गाइज जो वीडियोज़ देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यस, अगर आप मुझे कोई केस रिकमेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस केस के बारे में एक वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो यस, आई विल मीट यू इन अनदर केस। अंटिल देन, स्पीक टू योर लव्ड वन सो क्लोजली, सो ओपनली। बाय बाय।